टीचर के आशिक के गुनाह की ये वो कहानी है जिस कत्ल में प्रेमी ने कत्ल वाली रात किसी को सांप की कहानी सुनाई। सांप की कहानी का प्रेमिका के कत्ल से क्या कनेक्शन है, देखिए खुलासा। कार की डिग्गी में महबूबा की लाश। सांप की कहानी, मर्डर कनेक्शन। कत्ल वाली रात, प्रेमी सुनाए सांप की कहानी। कार की डिग्गी में महबूबा की लाश। ऐसे उतरी मोहब्बत मौत के घाट। लिव इन पार्टनर का गुनाह। एक कत्ल, छह जिलों से कनेक्शन। टीचर की मर्डर मिस्ट्री, वो कहां है? तारीख थी 1 से 2 अगस्त, जिस रात को बेमेतरा में बहुत कुछ हुआ, जिस रात को इस प्रेमी ने सांप वाली कहानी सुनाई। किसे सुनाई, क्यों सुनाई, ये आपको तफसील से बताएंगे। ये प्रेमी है राम आशीष उपाध्याय। राम आशीष ने जो सांप वाली कहानी सुनाई उसका कनेक्शन एक कत्ल से है। अब दूसरी तस्वीर, टीचर सपना विश्वकर्मा की, जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। सपना विश्वकर्मा स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर ऐसी गायब हुई कि ये तलाश सपना की लाश पर जाकर खत्म हुई। आखिर टीचर सपना को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा और इस कत्ल का सांप की कहानी से क्या कनेक्शन है, ये भी सुनिए। सपना कवर्धा की रहने वाली थी। सपना और राम आशीष की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। पुलिस की माने तो दोनों लिव इन पार्टनर भी थे, लेकिन प्रेमी आशीष ने अपनी ही मोहब्बत सपना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस कत्ल का राजदार था मकान मालिक रघुनाथ साहू। सपना और राम आशीष दोनों रघुनाथ के मकान में किराए से रहते थे। वारदात वाले दिन राम आशीष ने प्रेमिका सपना की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद मकान मालिक को यह कहकर बुलाया कि घर में सांप घुस गया है। घर में सपना की लाश थी। प्रेमी भिलाई गया, वहां से कार लेकर आया, फिर सपना की लाश को कार से प्रेमी और मकान मालिक दोनों ले गए। कोंडा गांव के केशकाल घाटी में लाश को फेंका। कई जिलों से होकर यह लाश गुजरी थी। दरअसल राम आशीष शादीशुदा था। राजदार मकान मालिक ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। मकान मालिक का जुर्म था लाश को ठिकाने लगाने में प्रेमी राम आशीष की मदद करना। अब सवाल है कि कत्ल का मास्टरमाइंड प्रेमी राम आशीष कहां है। कॉल डिटेल से राजदार मकान मालिक तो पकड़ा गया, लेकिन प्रेमी का मोबाइल बंद था, क्योंकि प्रेमी राम आशीष ने कत्ल के कुछ दिन बाद सुसाइड कर लिया था। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं जब इश्क किया जाता है दो दिल देखा जाता है, लेकिन इस लव स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो प्रेमी को प्रेमिका की मोहब्बत से ज्यादा उसके पैसों से प्यार था। हत्यारा प्रेमी इतना खूंखार है कि प्रेमिका के कत्ल के बाद उसने प्रेमिका के जेवर भी लूट लिए। आखिर कौन है ये किलर, कत्ल क्यों हुआ, देखिए। खूने इश्क की कहानी, एक और लवर किलर। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल का राज। महबूबा का मर्डर, कत्ल के बाद लूट भी। तालाब में प्रेमिका की लाश। प्रेमिका की वो एक बात, प्रेमी का इंतकाम। ये लव स्टोरी दिल से ज्यादा दौलत और जिस्म पर आकर ठहर गई। इन कातिलों में एक ऐसा हत्यारा जो महबूबा पर जान देने का दावा करता है, लेकिन उसी ने अपनी महबूबा की हत्या का प्लान बनाया। रतलाम के बिल्डी गांव में तालाब में 38 साल की महिला की लाश मिली। क्या यह सुसाइड का मामला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की हत्या हुई थी, गला घोट कर उसका कत्ल किया गया। दिनांक 6 तारीख को
महिला की डेड बॉडी प्राप्त होती है, जिस तारतम्य में उसमें संदेह उत्पन्न होता है, जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त होता है, पीएम रिपोर्ट में ये तथ्य प्रकाश में आता है कि इसकी गला दबा के हत्या कारित की गई है। महिला की शिनाख्त हुई, अब जांच टिकी थी कॉल डिटेल्स पर। सीडीआर खंगाला गया, आखिरी कॉल ने हर राज को फाश कर दिया। आखिरी कॉल महिला ने प्रेमी रवि राठौर को किया था। पुलिस के हाथ प्रेमी रवि के गिरेबान तक पहुंचे, जिसने महबूबा की हत्या की पूरी कहानी बताई। प्रेमी के दिल में ऐसा इंतकाम था कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की और उसके बाद लूट भी, प्रेमिका के जेवर तक लूट लिए। इस तारतम्य में शिवगढ़ पुलिस द्वारा इसमें ये देखा जाता है, उनके सीडीआर का एनालिसिस किया जाता है, जिस आधार पर पता चलता है कि महिला जो है, महिला की आखिरी बार बात रवि राठौर से हुई थी। जब रवि राठौर से पूछताछ की जाती है तो फिर इसके दो साथी शिवराज और अनिल, इनके द्वारा जो है घटना कारित की जाती है और महिला द्वारा पहने हुए गहनों को भी लूट लिया जाता है। तो अब तक इनके ऊपर हत्या और लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर दिल में इतनी नफरत क्यों, ये कहानी भी सुनिए। आरोपी रवि राठौर ने प्रेमिका से 15,000 रुपए उधार लिए थे। रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन इस रकम ने प्रेमी प्रेमिका के बीच दरार डाल दी। प्रेमी ने उधारी के रुपए चुका दिए थे, लेकिन 3,500 के लिए मार डाला। 3,500 के लिए प्रेमिका का बार बार ताना, जिससे प्रेमी परेशान हो गया और इस ताने पर लवर ने खूनी खेल खेला। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस हैवानियत के बारे में सुनिए। पहले उस शख्स को पिकअप से टक्कर मारी गई, फिर उसे कई दूर तक आरोपी गाड़ी से घसीट कर ले गया। फॉरेस्ट गार्ड की मर्डर मिस्ट्री हैरत में डाल देगी। इतनी मामूली सी बात की ऐसी खौफनाक सजा। न रंजिश, न बदला, न इंतकाम, सब्जी के रेट पर खूनी तकरार। पहले गाड़ी को मारी टक्कर, फिर घसीटा, पिकअप से कुचलकर मार डाला। फॉरेस्ट गार्ड का बहरहमी से कत्ल, भाव ताव और खल्लास। फॉरेस्ट गार्ड शीतल सिंह रोजाना की तरह ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन वो ना तो ड्यूटी पर पहुंचे और ना ही अपने घर वापस आए, क्योंकि कोई था जिसके दिल में इंतकाम था, बदले की आग में जो धधक रहा था। फॉरेस्ट गार्ड शीतल सिंह को देखकर आरोपी ने जो हैवानियत की, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पहले फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी को टक्कर मारी, फिर अपने पिकअप गाड़ी से घसीट कर करीब 900 मीटर तक ले गया। इस हैवानियत के बाद फॉरेस्ट गार्ड शीतल सिंह की मौत हो गई। आखिर किस बात का बदला लिया गया, कातिल कौन है? एक व्यक्ति के द्वारा जो है वन विभाग के मुंशी की जानबूझ करके अपने पिकअप से मोड़ करके सामने ला करके उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई और उसको करीब उसकी हत्या की नियत से करीब 900 मीटर घसीटा गया। सिंगरौली के चतरंगी थाना इलाके में इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वालों को जब मौत की खबर गई तो सब सन्न रह गए। कत्ल का इल्जाम लगा है व्यापारी कमलेश साकेत पर। तो इस पूरी संपूर्ण घटनाक्रम में उक्त प्रकरण जो है हत्या का पाए जाने से इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की धरपकड़ के लिए हमने टीम रवाना कर दी। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। कत्ल के पीछे कोई ऐसी रंजिश, बदले की कहानी नहीं है जिसका बदला इस तरह से लिया जाता। अब सुनिए वो हैरान करने वाली वजह। आरोपी कमलेश साकेत सिंगरौली के गिरी बाजार में सब्जी और फल की दुकान चलाता है। उसके दुकान पर सब्जी और फल के रेट को लेकर कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड और व्यापारी दोनों के बीच हॉट टॉक हो गई। जी, मृतक का नाम शीतल सिंह गौण है, जो किसी उम्र करीब 35 वर्ष है, जो निवासी गिर बताया जा रहा है। अभी तक की जानकारी में हमारे तो सामने आ रहा है कि कमलेश साकेत द्वारा अपनी पिकअप से ये घटना कारित की गई। इतनी मामूली सी बात पर ये वहशीपन, जिसे सुनकर सब सकते में है। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अब आपको दो लाइव वीडियो दिखाएंगे जो होश उड़ाने वाले हैं। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की लाइव तस्वीर, तो ग्वालियर में ये गुंडागर्दी देख आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों भाई, रूल तोड़ा है तो गलती मानिए, लेकिन यहां तो साहबजादे पर अलग ही रंग चढ़ा है। देखिए ग्वालियर में गुंडागर्दी लाइव, सड़क पर कोहराम, चेकिंग पर हंगामा, ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद दबंगई लाइव। चौदह सेकंड का ये वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरों में एक शख्स ट्रैफिक सिपाहियों से हुज्जत करते हुए नजर आ रहा है, दबंगई कर रहा है, यहाँ तक कि उसने ट्रैफिक सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जब इस बिगड़ैल शहजादे को रोकने की कोशिश करती है तो अगली तस्वीर होश उड़ा देती है। कार सवार रुकता नहीं है बल्कि ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश करता है। वो तो गनीमत थी कि ट्रैफिक सिपाही इस दबंगई का शिकार नहीं हुआ। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके का ये मामला है। बस स्टैंड तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मेहरा गांव के रहने वाले सुमित यादव की गाड़ी रोकी गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, अकड़ भी, दबंगई भी और गुंडागर्दी भी साफ दिखाई दे रही है। ट्रैफिक सिपाही रामदेव शर्मा की वर्दी का हाल भी देखिए। अब माजरा समझिए, दरअसल सुमित की कार में ब्लैक फिल्म लगी थी, उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। सुमित ने ट्रैफिक रूल तोड़ा और उसके बाद टशन था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चालानी कार्रवाई पर ऐसे भड़का आरोपी। जो चेकिंग होती है रोजाना दिन प्रतिदिन की, उस दिन वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के द्वारा एक आरक्षक द्वारा एक गाड़ी को रोका गया, गाड़ी नहीं रुकी और जब वो सामने आके रोकने लगा तो वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने लगा। उसको फिर आगे जाकर चेकिंग करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान उस चालक को रोका गया। उसके विरुद्ध फिर शासकीय कार में बाधा डालने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कायमी की गई है। आरोपी सुमित यादव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की हथकड़ी में अब हेकड़ी निकल गई है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे बाजीगर जिसे बाजी लगाने का शौक है, ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा दीवाना जिसने तीन पत्ती के गेम में अपने ही रिश्तेदार के घर डाका डाला। देखिए खुलासा, चूहे के जुर्म तक रमी का दीवाना, भरोसे का सौदागर। एक लत वो बना गैम्बलर, रमी का शौक चाचा को शौक, ऑनलाइन गेम दांव पर रिश्ते, चाचा के घर डाका, ऐसे खुला राज। बुरहानपुर में भतीजा बना चोर, इसे तीन पत्ती का शौक था जिसे यकीन था जुए का हर दांव इसकी किस्मत को बदल देगा। ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत के सोते जागते उठते बैठते बस यही सपना कि आज तो लक काम कर जाएगा। आरोपी पवन सुरलकर जिसकी कॉल डिटेल उसके जुर्म की कहानी सुना रही थी, बुरहानपुर के शाहपुर नगर में फरियादी मनोज सरुलकर के घर चोरी हुई, किसी ने डाका डाला था, ये डाका भरोसे पर डाला गया और भरोसे में सेंधमारी किसी और ने नहीं बल्कि पवन ने ही की, जिसने अपने ही चाचा के घर में हाथ साफ कर दिया, 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। इसलिए 4 तारीख की बात है, 4 जुलाई को एक चोरी हुई थी, मनोज सुरलकर करके हैं, उसके घर में चोरी हुई थी और उसमें करीब 2 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर, 5-6 लाख रुपए की करीब चोरी थी वो, तो उसमें उसके जो एक रिश्तेदार है उसके ऊपर थोड़ा शक था, तो उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाल के हमने जब एनालिसिस किया था तो इसमें चोरी का खुलासा हुआ है और इसमें सारा जेवर जो सोने चांदी का पूरा जेवर हमने बरामद कर लिया है। आरोपी पवन इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले। जब उसे पता चला कि चाचा मनोज घर से बाहर है तो आसानी से उसने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कॉल डिटेल्स और फरियादी मनोज का शक काम कर गया, आरोपी भतीजा पवन बेनकाब हुआ।
जो कैश पैसे थे वो तो जुए वगैरह में हार गया है, ऑनलाइन रमी खेलता था, उसमें करीब उसके पास 2 लाख रुपए की उधारी हो गई थी, उसके कारण उसने ये घटना घटित की थी। और वो पैसा तो उसने ऑनलाइन कहीं जुए में हार गया है, उसमें से मुश्किल से 5,000 रुपये नकद जब्त हो पाए हैं और सोने चांदी के पूरे जेवर लेकिन हमने बरामद कर लिए हैं और प्रार्थी ने वो सारे जेवर पहचान भी लिए हैं, ओरिजिनल जेवर बरामद हो गए हैं। ऑनलाइन रमी के गेम में डूबे पवन पर 2 लाख का कर्जा चढ़ गया था, इस उधारी को चुकाने के लिए इस हद तक पहुंच गया पवन। चुराए गए नगद रुपए तो आरोपी भतीजे ने खर्च कर दिए, लेकिन जेवर को बेचता उससे पहले ही शराफत का मुखौटा हट गया। बुरहानपुर में गणेश बाविष्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पति और सास को खरी खोटी सुनाई तो पति ने हैवानियत की हदें पार कर दी। शराब के नशे में पत्नी को बुरी तरह पीटा, इसके बाद उसे बाइक के पीछे रस्सी से बांधकर गांव में घसीटा। खबर नागौर के पंचौड़ी इलाके की है, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीखती चिल्लाती रही पत्नी, बाइक से घसीटता रहा पति, क्रूर पति का अत्याचार। हैवानियत की सारी हदें पार। नागौर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वीडियो में एक युवक अपनी ही पत्नी को रस्सियों से बांधकर बाइक से घसीटता हुआ नजर आ रहा। वीडियो में जो हो रहा उसे देखकर हर किसी का दिल कांप जाए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पांचौड़ी गांव के प्रेम राम मेघवाल की शादी 10 महीने पहले ही दिल्ली में हुई थी, तब से वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। कुछ दिनों पहले महिला जैसलमेर में अपनी बहन के घर सामाजिक समारोह में जाने की जिद करने लगी। पति के मना करने के बाद भी महिला तैयार हो गई, जिस पर उसका क्रूर पति हैवानियत पर उतर आया। आसपास के लोगों ने इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर वायरल किया। जानकारी है कि आरोपी प्रेमराम आदतन नशे का आदी है। पुलिस के मुताबिक इस घटना के संबंध में अभी तक पीड़ित पत्नी ने कोई तहरीर नहीं दी है, इसलिए पुलिस ने फिलहाल अपने स्तर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और इसी के साथ आरोपी की पत्नी और उसके परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही। न्यूज 18 के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।